Teachers and my batchmates. My name is Ayan Soni and I am from High Institute of Pharmaceutical Education and Research. And my today's topic is myocardial infarction. It includes definition, types, etiology, signs and symptoms, pathogenesis, diagnosis, treatment, and complication. So let's start with definition. A condition characterized by the death of cardiac tissue due to obstructed or disturbed blood supply is termed as myocardial infarction. अगर किसी भी तरह का obstruction coronary artery में generate हो रहा है तो वो myocardial infarction create करता है. और it can be further described as a condition characterized by the death of irreversible death of heart cells due to ischemia condition. अगर body में ischemia generate हो रहा है, ischemia का मतलब क्या होता है, अगर कोरोनरी आर्टरी को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाए तो ये भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्रिएट करता है. सेकंड इज टाइप्स. टाइप वन, इट दिस इज द रिजल्ट ऑफ इस्कीमिया और कोरोनरी इवेंट्स. एग्जांपल है प्लेग का रप्चर. अगर किसी भी तरह का प्लेग का रप्चर हो रहा है तो ये इस्कीमिया की कंडीशन को जनरेट करता है. प्लेग फॉर्मेशन किस वजह से होता है? प्लेग का फॉर्मेशन हमारा फैट या हाई इंटेक ऑफ ग्लूकोज डाइट लेने की वजह से होता है. बॉडी में अगर हम हाई इंटेक ऑफ फैट ले रहे हैं तो ये हमारी कोरोनरी आर्टरी में प्लेग का फॉर्मेशन करेगा. सेकंड इज सप्लाई एंड डिमांड मिसमैच. अगर किसी भी तरह की सप्लाई या डिमांड में हमारा मिसमैच क्रिएट हो जाएगा तो वो हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्रिएट करेगा. थर्ड इज ए कार्डियक डेथ. कार्डियक डेथ हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी तरह का मायोकार्डियल इन्फेक्शन लॉन्गर एक्टिविटी तक जनरेट रहेगा, लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा तो हमारा कार्डियक डेथ हो जाएगी. फोर्थ इज इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस. थ्रोम्बस का फॉर्मेशन अगर कोरोनरी आर्टरी में हो गया है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, तो तब भी ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा. थ्रोम्बस क्या होता है? थ्रोम्बस इज ग्लोब्यूल ऑफ फैट एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. फिफ्थ इज बाईपास सर्जरी. अगर पेशेंट हमारा किसी भी तरह की सर्जरी से होकर गुजरा है, बाईपास सर्जरी से होकर गुजरा है और वो अगर नॉर्मल डाइट इंटेक नहीं ले पा रहा है या वो अपने डाइट में फैट और ग्लूकोज या लिपिड्स का हाई इंटेक ले रहा है तो वो भी हमारा एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्रिएट करने का कॉज रहता है. नेक्स्ट इज इटियोलॉजी. एमआई इज कॉमनली कॉज ड्यू टू रप्चर ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग विद इन ए कोरोनरी आर्टरी फॉलोड बाई थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन. मतलब कि अगर किसी भी तरह का प्लेग का रप्चर हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में तो वो एक प्लेग का फॉर्मेशन कर रहा है. मतलब कि अगर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो हमारी कोरोनरी आर्टरी में ब्लड सप्लाई को डिस्टर्ब करता है जिस कारण से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है. अदर सिम्टम्स हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मीन्स होता है वेंट्रिकल्स में थिकनिंग हो जाना. वेंट्रिकल्स की थिकनिंग बहुत तरीके की होती है, जैसे कि एंटीरियर वॉल में थिकनिंग, पोस्टीरियर वॉल में थिकनिंग या सेप्टल वॉल में थिकनिंग या फिर किसी और तरीके की थिकनिंग. अब आते हैं हमारा कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पाज्म. कोरोनरी आर्टरी वैसोस्पाज्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरह से आर्टरी में मसल की सराउंडिंग होती है, अगर मसल की सराउंडिंग आर्टरी की ओर रहती है और अगर मसल्स हमारी हाई कंट्रैक्शन करने लगे या उनका कंट्रैक्शन बढ़ जाए तो हमारा आर्टरी जो है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाएगी जिस कारण से हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है. थर्ड कंडीशन इज हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया की कंडीशन में ब्लड की सप्लाई लोअर हो जाती है जिस कारण से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है. फोर्थ इज इन्फ्लामेशन इन आर्टरीज. अगर आर्टरीज में इन्फ्लामेशन हो रहा है, अगर आर्टरीज में इन्फ्लामेशन कंडीशन आ रही है तो वो हमारी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाएगी जिस कारण से मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा. फोर्थ इज कोरोनरी आर्टरी एनाबोलाई. कोरोनरी आर्टरी एनाबोलाई का मतलब होता है चेंज इन शेप ऑफ कोरोनरी आर्टरी. अगर एनाबोलाई का अगर आर्टरी का शेप चेंज हो गया या साइज चेंज हो गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तब भी वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाएगा. थर्ड इज कोरोनरी आर्टरी इम्बोली. इम्बोली का मतलब होता है इम्बोलस. इम्बोलस इज ए टाइप ऑफ क्लॉट विच कैन बी जनरेटेड बाय प्लेटलेट्स और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स. अगर किसी भी तरह की क्लॉट अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी में
जनरेट हो गया है या किसी तरह फॉर्मेशन हो गया है, तो वो भी हमारा ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा कोरोनरी आर्टरी से हार्ट में पहुंचाने के लिए। तो अब आते हैं हमारा साइनस सिम्टम्स में। साइनस सिम्टम्स में फर्स्ट इज एंग्जाइटी, एंग्जाइटी बेचैनी रहेगी, मतलब घबराहट रहेगी, स्लीपलेसनेस, नींद में कमी आएगी, नींद नहीं आएगी, ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग रहेगी। और अब आते ट्यूमर्स आएंगे। अब आते हैं हमारी पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस में आते हैं, ये हमारी दो टाइप में हो सकता है। फर्स्ट इज मायोकार्डियल नेक्रोसिस और कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। अब अगर बात करें मायोकार्डियल नेक्रोसिस की, तो अगर प्रॉपर वे में हमारे ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिस कारण से सेल की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी, सेल की डिग्रेडेशन स्टार्ट होने की वजह से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा और ये हार्ट अटैक का एक मेजर हार्ट अटैक क्रिएट करेगा। बात करेगा कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस की, तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने के बाद ब्लड की सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी, जिस कारण से हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा। और ये सब ये दोनों कंडीशन मिला के अकल्सन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी और हार्ट अटैक की कंडीशन जनरेट होगी। अब अगर बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में फर्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। इसमें डॉक्टर जो है पेशेंट का हार्ट का साइज और शेप मेजर करता है और ये देखता है कि कहीं हार्ट के अलाउंड किसी भी तरह का फ्लूड का डिपोजिशन नहीं हुआ है, या लंग्स के अराउंड किसी भी तरह का फ्लूड का डिपोजिशन तो नहीं हुआ है, इसको चेक करता है। सेकेंड इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जैसे कि नाम में है इलेक्ट्रो, इसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की मदद से इम्पल्स को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को हम जो है पेशेंट की चेस्ट या उसकी स्किन पे लगाते हैं, अटैच करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है, उसकी इम्पल्स को देखा जाता है। अगर किसी भी तरह की डैमेज मसल होगी तो वहाँ की इम्पल्स जो होगी वो नॉर्मल लेवल से अलग दिखाई देगी और इसका हम लोग ECG में रिपोर्ट देते हैं। ECG इसकी रिपोर्ट से हम मॉनिटर की मदद से ECG की रिपोर्ट निकालते हैं और देखते हैं कि नॉर्मल ECG की वैल्यू से ये कितना डिफर कर रही है। थर्ड इज कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, इसमें हम देखते हैं, इसमें हम पेशेंट को एक डोनट शेप मशीन पे लिटा देते हैं और उसकी बॉडी के अलोंग मशीन को रोटेट करते हैं और एक्सरे की मदद से हम लोग उसकी क्लिक हार्ट की पिक को क्लिक करते हैं, कलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किसी तरह की एबनॉर्मलिटी या ब्लॉकेज के जनरेशन नहीं हो रहा है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से सेल्स में एक मैग्नेटिक रेस का अलाइन कर देते हैं और उसमें देखते हैं कि किसी तरह की मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस या किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी को इसमें हम देखते हैं। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आती है फर्स्ट इज ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर्स क्या होते हैं, एग्जांपल है इसका एस्पिरिन। ब्लड थिनर्स वो होते हैं जो हमारे ब्लड को थिन कर देते हैं, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स है या किसी भी तरह के जो क्लॉट का फॉर्मेशन उसको कम कर देते हैं। थर्ड इज एंटी प्लेटलेट्स, एंटी प्लेटलेट्स हमारी क्लॉट को बंद रोकते हैं, क्लॉट का फॉर्मेशन को कम करते हैं और नई क्लॉट को बनने से रोकते हैं। अब आते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स वो एजेंट्स होते हैं, वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करते हैं और हार्ट की मसल्स को रिलैक्स करते हैं। अब अगर बात करें हम ACE इनहिबिटर्स की, तो ये भी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर की अमाउंट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हमारे हार्ट की मसल्स को हार्ट की स्ट्रेन को नॉर्मलाइज करते हैं और हार्ट स्ट्रेन को कम कर देते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की। एबनॉर्मल हार्ट रिदम, मतलब अगर किसी भी तरह का एरिथमिया जनरेट हो जाएगा। एरिथमिया का मतलब है एरिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सेकंड इज हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाएगा। थर्ड इज हार्ट रप्चर, हार्ट में रप्चर हो जाएगा या वॉयल प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी।